बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आई हैव आपका। रिसीव्ड। थैंक यू वेरी सर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है आपका। नहीं उस दिन भी अच्छा था, नहीं अच्छा था। ब्लू आइज की आपने मैंने रेड अबाउट द प्रोविजंस मोर इन मोर। नहीं मैंने उस दिन बोला था एरोगेंस ही आज वो नहीं दिखी मुझे। मतलब एक दो लोगों ने मुझे कहा मतलब थोड़ी स्माइल रखना चाहिए थी इस पे। मतलब मैं हमेशा से ऐसा रहता है कि मतलब आंसर देते टाइम थोड़ा सर। जो एक उस दिन आपने सवाल पूछा था कि आप जेएलओ क्यों बनना चाहते हैं सर, मैंने आज उसके लिए थोड़ा मतलब और इम्प्रोवाइज करा है कि सर व्हेन आई हैड एंटर्ड इनटू द एलएलसी तो मैंने मतलब देखा कि कौन कौन से इसमें मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वहाँ पर। तो मुझे एक जेएलओ के बारे में भी पता चला कि जेएलओ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लो फील्ड। एंड सर मेरे टीचर्स प्रोफेसर ने भी मुझे इसके बारे में बताया कि ये आपके मतलब आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो सर मैंने इसलिए इसके बारे में सोचा। और सर इसमें मेरा बैकग्राउंड भी हेल्पफुल है कि सर मैंने स्कूल टाइम में एज एन हेड गर्ल एंड हाउस कैप्टन मैंने सर्व करा है। तो सर वहाँ पे भी इसी तरीके का मतलब हमारा काम रहता था कि टू मेक द कॉन्सिलिएशन बिटवीन द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो सर मुझे लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। ये ज्यादा अप्रिशिएट है ठीक क्योंकि आप विमेन वाले पे चले जाते हो तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। काय का? नहीं नहीं वो नहीं मांगेंगे। काय का सर्टिफिकेट? हेड गर्ल का। हेड गर्ल का। क्या अभी मेरे पास हैंग में बनवा सकती हूँ मतलब? नहीं मांगेंगे। वैसे सर्टिफिकेट होते नहीं हैं आई थिंक हाउस कैप्टन और हेड गर्ल से मिलते तो हैं बट वो उस टाइम हमारे स्कूल में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मतलब प्रिंसिपल रेपिटेडली चेंज हो रहे थे तो उस चक्कर में मेरा रह गया और मैं वापस कभी स्कूल जा भी नहीं पाई। ऐसी कोई नहीं है। कोई डेट आ गया नहीं? कोई डेट नहीं सर अभी नहीं आया। फर्स्ट फेज में सेकंड फेज के डेट साथ अनाउंस हो गए हैं 5-6-7 को तो बाकी वैसे आए नहीं फिर। नहीं अभी आया नहीं। एक मैम मेरे को कोच के रिगार्डिंग पूछना है। सब परफेक्ट है कुछ चेंज मत करो आप जिसमें कंफर्टेबल हो। थोड़ा सा मुझे जो कमी लगी वो ये थी कि अदर लोज भी पढ़िए और आपको नहीं आता मना कि रीजन मत दीजिए। ये मत बोलिए कि हमारे सिलेबस में नहीं। मैं बोलने वाली थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला। पढ़ा था जे जे बट अभी मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। सेक्शन 92 में शायद प्रोविजन है 94 क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन टेस्ट भी उसमें पहले मैं कैलकुलेशन मार्क्स वगैरह देखी चाहिए बट मैं शुरू नहीं थी। लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि मेरा सिलेबस नहीं है ठीक है ना क्योंकि वो गलत हो जाता है। सीबी उससे पूछ लास्ट टाइम एक फ्रेंड गया था मेरा उससे बेनामी ट्रांजैक्शन है पूछ लिया। हां बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं। आईपीसी नहीं है लेकिन आईपीसी का ऑफिसर 420 के एरिया में मैंने इनको वो लैंड लॉ लिखा था चकबंदी पूछती लेकिन इसने वो आंसर कर दिया ना। मैंने कहा ये थोड़ी सी डाउन हो जाएगी इसलिए मैंने पूछा नहीं। हमें मोरल भी नहीं चाहिए चाहिए बच्चा एकदम जब परफेक्ट है तो फिर उसको छोड़ दो। मुझे एडमिसिबिलिटी रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है इसलिए नहीं पूछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ग्रिल नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि आप परफेक्ट हो और फिर हमारे ग्रिल करने से आप वहां बिगाड़ोगे बाकी नॉलेज बहुत ठीक है और उसको डिलीवरी पे अच्छे से कर पा रहे हो अगर है तो। और आप वो बोल रहे थे ना पिच वाला बल्कि क्लियरिटी है आपके जितना अच्छे से बोलोगे ना आप अपनी ओरिजिनल उसमें जितना दबाओगे वो क्लियरिटी नहीं आएगी। नहीं ये बात सही है ठीक है थैंक यू ओके अपन चलो पता है ओवर वीकेंड पर जी।